This news is sponsored by Presidency International School, नवगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 10वां सवाल। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कुमारगुप्त। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। ताहा हसन खान बने जिला टॉपर, अदिति श्री को मिला दूसरा स्थान। ICSE बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को आया। इस परीक्षा में जिले के छात्र छात्राओं ने अपनी मेघा का शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार के रिजल्ट में छात्रों पर छात्राएं भारी पड़ी है। माउंट SEC स्कूल भागलपुर के होनहार छात्र ताहा हसन खान ने 99% अंक लाकर 10वीं बोर्ड का जिला टॉपर बना। वहीं इसके स्कूल की अदिति श्री 98.8% नंबर लाकर जिले में दूसरे स्थान पर रही। कोरोना से जिले में अब तक 11 लोगों की गई जान। शुक्रवार को मिले 83 नए मरीज। भागलपुर जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों का जान जाने का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। शुक्रवार को मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोरोना से हो गई। अब तक में कुल 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं भागलपुर में गुरुवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना से जान जाने वालों में कुल की संख्या 9 हो गई है एवं एक अन्य कोरोना संदिग्ध की मौत यहां हुई, लेकिन उसके सैंपल लेने से पहले ही परिजन उनका शव लेकर निकल गए थे। वहीं बताते चलें कि शुक्रवार को भागलपुर जिले में कुल 83 नए मरीज मिले हैं। नवगछिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार। नवगछिया अनुमंडल में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 300 के पार हो गई है। अनुमंडल में नवगछिया शहर के अलावा खरीक और नारायणपुर प्रखंड कोरोना हब बनता जा रहा है। चिकित्सक और जानकार लोग बता रहे हैं, अगर इतने पर भी नहीं संभले तो आए दिन स्थिति और ज्यादा विकराल होगी। मालूम होगी कोरोना से नवगछिया में एक और खरीक में एक कुल 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नवगछिया अनुमंडल में रोजाना बड़ी संख्या में मिल रहे कोरोना मरीज ने स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर से सोचने पर विवश कर दिया है। वर्तमान में नवगछिया में टेस्ट की संख्या बेहद कम है। विभिन्न PSC और मंडली अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 5000 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया मंडली अस्पताल के उपाधीक्षक के सिन्हा ने बताया कि नवगछिया में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए टेस्ट बढ़ाए जाने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। नवगछिया के मुमताज मोहल्ला के 10 लोगों को 3 दिन बाद भी कोविड सेंटर नहीं पहुंचा सकी पुलिस। मुमताज मोहल्ला में बुधवार को संक्रमित पाए गए 10 लोगों को 3 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन कोविड सेंटर नहीं पहुंचा सकी है। शुक्रवार को भी नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के एम्बुलेंस को भेजा गया, लेकिन संक्रमित लोगों ने टकासा जवाब देते हुए कहा कि वे लोग मरने के लिए अस्पताल नहीं जाएंगे, कोई बीमारी नहीं है, सब घर पर ही रहकर ठीक हो जाएंगे। उन लोगों ने सुना है कि नवगछिया के एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया और उसी दिन उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोई भी अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्वास्थ्यकर्मी को यह भी कहा गया कि आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। मालूम हो कि मुमताज मोहल्ला के एक ही परिवार में 8 लोग सहित 2 पड़ोस की महिलाएं भी शामिल हैं। इधर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने नवगछिया SDO और SP को पत्र लिखकर मामले में पहल करने की मांग की है। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया के SDPO प्रवीण भारती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से कोई नया आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि रोगी को घर पर ही रहना है, लेकिन वे पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इस मामले में अस्पताल प्रशासन को ही पहल करना होगा। नवगछिया में विद्युत आपूर्ति चरमराई। बीहपुर में 7 घंटे लगातार बिजली रही गुल। नवगछिया अनुमंडल की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नवगछिया शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से महज 8 से 10 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। स्थिति यह है कि बिजली जो कटती है तो लगातार कई घंटों तक गायब रहती है। बीहपुर में रात में कटी बिजली लगातार 7 से 8 घंटे तक गायब रही। गुरुवार की रात 3 बजे कटी बिजली शुक्रवार की दोपहर 12 बजे आई। इस दौरान महज 10 मिनट बिजली रही और इसके बाद चली गई। शुक्रवार को पूरे दिन में महज 2 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई। वहीं पूछे जाने पर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रभात रंजन ने कहा कि बीहपुर एवं नारायणपुर फीटर को लगातार 33 kV बिजली की आपूर्ति हुई है। बारिश एवं तकनीकी गड़बड़ी होने पर ही बिजली बाधित हो सकती है। बीहपुर में बिजली किस कारण बाधित हुई है, इसकी जानकारी लेंगे।
गंगा व कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, चेतावनी के जलस्तर पर पहुंची गंगा। पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा होने के कारण गंगा व कोसी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर व कोसी नदी में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण इस्माइलपुर से लेकर बिनटोली के बीच स्पर संख्या 4 व 9 के आसपास पानी का भीषण दबाव बना हुआ है। हालांकि अभी तक कटाव होने की सूचना नहीं है, परंतु स्पर संख्या 4 के निकट धसान को दुरुस्त करवाकर पानी के दबाव को कम करने के लिए बंबू रॉल लगवाया गया है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सभी इस पर सुरक्षित है और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कोरोना को लेकर SDPO ने किया गोपालपुर थाने में पुलिस अधिकारी के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती ने कोरोना व फरार चल रहे अपराधियों को लेकर पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक किया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गोपालपुर थाना क्षेत्र के हाट बाजारों में पुलिस के द्वारा मास्क पहने व 2 गज की दूरी बनाए रखने हेतु जन जागरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सैदपुर, सुक्तिया बाजार, पचगछिया बाजार, अबिया बाजार सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर इस दिशा में कारगर पहल करने को कहा। साथ ही उन्होंने फरार चले अपराधियों को धरपकड़ करने व जमानत पर छूटे बदमाशों के जमानतदारों के सत्यापन का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी देखी गई। रोजगार नहीं मिलने से पुनः प्रवासी मजदूर घर छोड़ने को विवश। वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के कारण अब तक बड़ी संख्या में विभिन्न महानगरों से मजदूर अपने अपने घरों को वापस आए थे, परंतु CM नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद गांव में अब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होने से प्रवासी मजदूरों के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि सभी प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई, परंतु अब तक यह सर जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रवासी मजदूर मंगरूसा, सुबोध कुमार, अनिल कुमार व अखिलेश गोपाल आदि ने बताया कि पिछले 3-4 महीने से रोजगार नहीं मिलने के कारण हम लोगों को अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। अब हमें पुनः अपने अपने कामों पर वापस जाने हेतु ट्रेन में टिकट बनवा रहे हैं। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। नवगछिया के इस्माइलपुर में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड के इस्माइलपुर पंचायत वार्ड संख्या 2 में एक 30 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी मिली है कि युवक गांव में ही रहता है और उसका किसी प्रकार का यात्रा विवरण नहीं पाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस से मरीज को कोविड सेंटर भेज दिया गया। खरीक PSC का स्वास्थ्यकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। खरीक में कोरोना का संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खरीक थाने का एक जमादार और नौगछिया का आर्मी जवान और उसकी भाभी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी समेत 2 लोगों का कोरोना सैंपलिंग जांच रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आया है। इन दोनों में से एक नौगछिया का रहने वाला है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज नौगछिया में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चयन है। खरीक PSC कर्मी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से खरीक PSC में दहशत का माहौल है। खरीक में संक्रमण लगातार बढ़ने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 के पार कर गई है, जिससे आम लोगों में काफी दहशत है।